तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रेन जर्नी से रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बेस्ट ट्रेन है जो कि श्री माता वैष्णो देवी के लिए मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए वैसे देश के हर कोने से डायरेक्ट ट्रेन जाती है, फिर भी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के यहाँ से ट्रेन नहीं जा पाती है। तो वो लोग कैसे आएंगे माता वैष्णो देवी, या वो लोग जो लोग पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की, वो लोग माता वैष्णो देवी कैसे पहुँचें। देखिए दोस्तों, माता वैष्णो देवी पहुँचने के तीन साधन होते हैं, बाय बस, बाय एयर और बाय ट्रेन, जिसमें कि सबसे इजी जो आपके लिए है ना वो रहेगा बाय ट्रेन का ही। तो ये वीडियो भी टोटल ट्रेन से रिलेटिव होने वाली है, ट्रेन जर्नी से रिलेटिव होने वाली है, और कौन कौन सी वो ट्रेनें होंगी जिनसे आप यात्रा कर सकते हैं उनकी मैं पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से ला चुका हूँ। और मैंने अपनी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाटा बनाया है सारी ट्रेनों का। वैसे तो मैं खुद भी माता वैष्णो देवी यात्रा में बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग वाकई में भाई माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सी ट्रेन से जाएं, यार ये ट्रेन सही रहेगी नहीं रहेगी, इसमें फेयर क्या होगा, इसमें हम एसी से जा सकते हैं, स्लीपर से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊँगा आपको कौन कौन सी ट्रेनें हैं और उनकी पूरी जानकारी दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई यात्राओं की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट ट्रेन है। देखिए नंबर वन पे आती है 22439 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है और कटरा आपको दोपहर में 2 बजे पहुंचा देती है। इसके टोटल 3 स्टॉपेज रहते हैं, मैं आपको बता दूँ, और जो 3 स्टॉपेज के साथ जो ये गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये टोटल 8 घंटे का समय लेती है। इसमें देखिए एसी कोच होता है जिसका फेयर है 1665 रुपये और 3000 रुपये। मतलब कि गाइस दो तरह के इसमें फेयर होते हैं, फूड की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत अच्छी है, मुझे मेरे हिसाब से आपको इस पर ज़रूर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें चेयर होती है, सीटिंग चेयर होती है, इससे आप भाई नज़ारे देखते हुए और खाते पीते जब वो खाना मिलेगा ना, कब आपका टाइम बीत जाएगा पता भी चलेगा। हाँ, बजट थोड़ा हाई है इस ट्रेन का, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। अब सेकंड ट्रेन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रेन हमारी है श्री शिव शक्ति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22461। ये न्यू दिल्ली से शाम को 7:05 पर निकलती है और कटरा आपको सुबह 5:40 पर पहुंचा देती है। टोटल इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात करें तो 6 जगह ये अब रुकती है, और टोटल टाइम की बात करें तो 10:35 का टोटल टाइम लेती है। गाइज ये ट्रेन भी पूरी क्या है कि एसी वाले कोचेस है, इसमें थर्ड एसी का बता दूं आपको तो किराया लगने वाला है 1040 रुपये, सेकेंड एसी का 1660 रुपये, और ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 7 डेज चलती है, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है भाई, 7 डेज आप बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रखें भाई, ये ट्रेन जो आप बुक करेंगे दोस्तों, ये ट्रेन भाई आप कम से कम 1 से 2 महीने पहले जरूर बुक करें, अदरवाइज में आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं ट्रेन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ट्रेन नंबर 3 है हमारी 12445 उत्तर संपर्क क्रांति, इसको श्री माता वैष्णो देवी बात जाने वाले भक्तों की जान भी कहा जाता है, और ये ट्रेन सीधा न्यू दिल्ली से बनकर ही चलती है, न्यू दिल्ली से बनकर चलती है श्री माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों अब बता दूं आपको उत्तर संपर्क क्रांति के बारे में, ये ट्रेन शाम को 8:50 पर निकलती है न्यू दिल्ली से और कटरा आपको सुबह 7:55 पर पहुंचा देती है। टोटल स्टॉपेज की बात करें तो 10 स्टॉप लेती है, और टोटल टाइम की बात करें तो 11:05 का टाइम लेती है। ये ट्रेन ऐसी ट्रेन है, ये एक्यूरेट आपकी टाइम पे ही चलती है और टाइम पे ही पहुंचाती है। इसमें अगर हम फेयर की बात करें तो फर्स्ट एसी का 2440 रुपये, सेकेंड एसी का 1460 रुपये, और थर्ड एसी का 1040 रुपये। इसमें गाइज आपको एक फैसिलिटी और मिल जाती है स्लीपर वाली, अगर आप स्लीपर से जाते हैं तो स्लीपर का जो फेयर रहने वाला है वो रहने वाला है 395 रुपये, ठीक है। तो ये ट्रेन सप्ताह में सभी दिन चलती है, 7 दिन चलती है, लेकिन इस ट्रेन को अगर आपको बुक करना है तो इसके लिए कम से कम आपको 3 महीने पहले टिकट बुक करना पड़ेगा, तब आपकी टिकट कंफर्म होगी। अदरवाइज जो 120 दिन का वो रहता है ना, तभी बुक कर लीजिए तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर महीना भर पहले ही बुक करेंगे तो इस ट्रेन में टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गाइज ये इतनी सुंदर ट्रेन है, ये दिल्ली से सीधा सोनीपत पहुँचती है भाई, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं लेती है, और सोनीपत अम्बाला लुधियाना होते हुए आपको कब सुबह पहुँचा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी उत्तर संपर्क क्रांति। अब नंबर 4 की जो ट्रेन है उसका नाम है मालवा एक्सप्रेस। दोस्तों 12919 मालवा एक्सप्रेस, ये न्यू दिल्ली गई सुबह 4 बजे पहुंचती है, 4 बज के
और मैं आपको इसका वैसे बता दूं टाइम, मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से मैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो ये न्यू दिल्ली जो है 4:30 बजे पहुँचती है, और 4:30 बजे से लेके और टोटल 12 घंटे का समय लेती है, और शाम को 4:30 बजे आपको श्री माता वैष्णो देवी पहुँचा देती है। इसके स्टॉपेज की बात करें तो ये टोटल 18 स्टॉपेज लेती है, और इसमें आपको एसी और स्लीपर दोनों ही तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। तो अब इसके फेयर की बात करें तो इसमें गाइस जो इसका फेयर है वो फर्स्ट एसी का 2440 रुपये, सेकेंड एसी का 1460 रुपये, थर्ड एसी का 1040 रुपये, और स्लीपर की बात करें तो 395 रुपये इसका फेयर रहने वाला है। सप्ताह में सभी दिन ये ट्रेन चलती है, और दोस्तों ये ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है। ये ट्रेन अच्छी इसलिए, देखिए टाइम तो लंबा लेती है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये श्री माता वैष्णो देवी को और महाकाल को दोनों को जोड़ती है। मतलब कि जो उज्जैन जाते हैं ना, उज्जैन जाने वाले भक्त भी इस ट्रेन से जा सकते हैं, और श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्त भी इस ट्रेन से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महाकाल के और महाशक्ति के दोनों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो ये है हमारी मालवा एक्सप्रेस। अब बात करते हैं नंबर 5 पर आने वाली ट्रेन। दोस्तों देखिए ट्रेन जो मैं आपको नंबर 5 बता रहा हूँ ना, ये एक बजट ट्रेन है। बजट ट्रेन मतलब गाइस ये एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए, सबके लिए बनी है, जिसका नाम है जम्मू मेल। जम्मू मेल गाइस क्या है कि ये ओल्ड दिल्ली से ही चलती है, ओल्ड दिल्ली से ये निकलती है रात को 8:05 पर। आज मेरा नंबर क्या है, इसका ट्रेन नंबर है 14033। ये शाम को 8:05 पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओल्ड दिल्ली से निकलती है और आपको कटरा सुबह 9 बजे पहुँचा देती है। ठीक है, टोटल स्टॉपेज की बात करें तो गाइज ये 22 स्टॉपेज लेती है। 23वें स्टॉपेज पे आपको श्री माता वैष्णो देवी उतारती हैं। इसके टाइम की बात करें तो 13 घंटे लेती है। ठीक है, 13 घंटे लेती है, और वैसे इसमें जब अगर इसमें आपको एसी और स्लीपर दोनों फैसिलिटी मिल जाती है। फेयर की बात करें तो 2360 रुपये इसमें फर्स्ट एसी का फेयर है, 1410 रुपये आपका जो है सेकेंड एसी का, थर्ड एसी का 990 और स्लीपर का 365 रुपये है। तो 7 डेज ये गाड़ी भी चलती है आपकी जो की है दिल्ली से। तो गाइज ये है वो टॉप 5 ट्रेनें जो कि आपको दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी पहुंचाती है। मैंने आपको दिल्ली इसलिए प्रोजेक्ट किया है, इसलिए आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी जगह से शायद डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी ट्रेन ना पहुंचती हो, जम्मू ट्रेन पहुंचती हो। तो आपके पास देखिए ट्रेन से अगर आप जर्नी करें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी तक डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है तो वेरी गुड, नहीं तो आप जम्मू तक भी उतर सकते हैं। जम्मू तक भी तो लगभग हर जगह से कनेक्ट है, लेकिन जिनके यहाँ से जम्मू तक भी ट्रेन नहीं जाती वो क्या करें, वो दिल्ली आ जाए। और दिल्ली से जो मैंने आपको टॉप 5 ट्रेन बताई है ना, आप दिल्ली से आराम से श्री माता वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो का मतलब यही था बनाने का कि आपको फेयर बताऊं और क्या आपका खर्चा होने वाला है वो बताऊं। ठीक है, तो देखिए बाकी तो बादशाह माता वैष्णो देवी में जब आप पहुंचेंगे तो आपका खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि माता वैष्णो देवी इतनी हाई कॉस्ट वाली यात्रा है कि जिसमें आपको 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाए। तो अगर आपका बजट कम है तो आप जैसे अपनी जम्मू मेल है, उत्तर संपर्क क्रांति है, मालवा है, इन ट्रेनों से स्लीपर कोच में भी आप कर सकते हैं, तो 2000 में आपका अप डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर आपकी शिव शक्ति एक्सप्रेस है जो कि एसी कोचेज हैं और आपको रिलीफ होकर बिल्कुल आप मजे में पहुँच जाएंगे, तो उनसे भी आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ट्रेन है गाइस जिनसे आप अपनी रिजर्वेशन करा सकते हैं आने वाले 2 से 3-4 महीनों में, जब भी श्री माता वैष्णो देवी पर जाने की सोच रहे हो। बाकी टाइम चल रहा है नवरात्रि की, सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।